वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कर्नल्स। कर्नल यूनिक्स के अंदर क्या होता है, और कर्नल वैसे भी जो वर्ड है वो आपको मैं बता दूं कि कर्नल कुछ इस प्रकार से होता है कि कर्नल एक ऐसी चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम की कि वो उसका हार्ट है। एक तरह से आप इसको ऐसे मान के चलें कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको जो एक शेल के अंदर रहती है, मतलब वो डायरेक्टली आप उससे इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते। मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि कर्नल को अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे एक नारियल होता है, नारियल के ऊपर शेल होता है, वो शेल उस नारियल को अंदर से प्रोटेक्ट करके रखता है। आप जब भी नारियल को फोड़ेंगे और उसके अंदर से का जो कर्नल है, जो उसके अंदर जो मटेरियल है, जब आप उसको खाएंगे तो वो बिल्कुल प्योर होगा, उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो शेल के अंदर शुरू से था। तो कर्नल जो है, कर्नल को बिल्कुल ऐसा ही माने कि कर्नल बेसिकली कर्नल के ऊपर एक शेल लगा होता है, वो शेल उसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है, और जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोवाइड कराता है। और वो एक्चुअल में क्या होता है कि वो ऐसा पार्ट होता है जो कि यूज़र कमांड से जितने इंट्रैक्शन होने वो उसी के होने, कर्नल के डायरेक्टली नहीं होने। कर्नल पहली बात तो यूज़र से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता ही नहीं है, हाँ, लेकिन कर्नल शेल से इंटरेक्ट करता है, कर्नल बाकी बचे हुए प्रोग्राम से इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर डिवाइसेस जो होती हैं सिस्टम में लगी होती हैं उनसे इंटरेक्ट करता है, सीपीयू से इंटरेक्ट करता है, मेमोरी से इंटरेक्ट करता है, डिस्क ड्राइव से इंटरेक्ट करता है, लेकिन कर्नल यूज़र से इंटरेक्ट नहीं करता। अगर यूज़र से इंटरेक्ट करने की बारी आएगी तो शेल होगा वो एजेंसी जो कि शेल इंटरेक्ट करता है यूज़र से, और शेल जो है वो उसको एक्सेस कौन करता है, कर्नल। तो कर्नल बेसिकली एक ऐसे चैम्बर में बैठा हुआ है जिसको जो यूज़र जिसको देख नहीं पा रहा वो यूज़र को देख पा रहा है, यूज़र की रिक्वायरमेंट को सुन पा रहा है, समझ पा रहा है। इवन आप अगर कर्नल की बात करें तो कर्नल ऐसी चीज़ है कि आपने जैसे ही सिस्टम का अपना सिस्टम ऑन करा तो सबसे पहले मेमोरी में लोड होने वाली चीज़ जो है वो कर्नल ही होती है, जिससे आप स्टार्टअप पे आते हो। और वो सबसे आखिरी में, जब कंप्यूटर शटडाउन होता है, सबसे आखिरी में जाने वाली चीज़ जो होती है वो भी कर्नल ही होती है, जो कि इंटायर कंप्यूटर सेशन जो आपने एक घंटे तक आपने अपना पीसी चालू रखा तो एक घंटे तक वो कर्नल वहाँ मौजूद रहेगा और कंटिन्यूसली अपना सर्विसेज देना चालू करता रहेगा। आपको लगता होगा ऐसा कि भाई हमने तो कभी इससे मिले नहीं, आपकी मुलाकात नहीं हुई होगी, लेकिन आपके जो कंप्यूटर की जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितने भी सामान उस कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है, वो सब कंटिन्यूसली कर्नल के कंटैक्ट में रहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी सर्विसेज के लिए भी कर्नल के पास ही जाना पड़ता है। वो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं या कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो सारे के सारे इंटरेक्ट करते हैं कर्नल से। अब जाहिर सी बात है, इतना अच्छा काम है, इतना मेन काम है इनका, तो जाहिर सी बात है ये भाई साहब को ऐसा तो होगा नहीं कि कोई कहीं भी रख दिए जाए, ऐसे हर कहीं रख देंगे तो कोई भी यूज़र आके इसको ओवरराइड कर सकता है। तो इसलिए कर्नल का कोड जो होता है वो बेसिकली मेमोरी ऑफ जो एरिया होता है मेमोरी का, उसके अंदर प्रोटेक्टेड जगह पर रखा जाता है, जहाँ पे कोई भी यूज़र उसको ओवरराइड ना कर सके, और कोई भी उसको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पार्ट जो है ना वो उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ ना करें, और या भी कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम उसको ऐसे आसानी से रन ना करें। तो कर्नल जो है वो टास्क क्या परफॉर्म करता है, बेसिकली कर्नल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए और इंटरप्ट्स को हैंडल करने के लिए ये क्या करता है, अपने कर्नल स्पेस का इस्तेमाल करता है, जबकि यूज़र के लिए, यूज़र के जो काम होते हैं उसके लिए हमारे पास है यूज़र स्पेस। अब टेक्स्ट को राइट करना है, टेक्स्ट को एडिट करना है, ठीक है, या कोई प्रोग्राम को रन कराना है, उसके लिए हमारे पास GUI होता है, और ये GUI और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सारी रखी जाती है यूज़र स्पेस। मतलब कंप्यूटर को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक है कर्नल स्पेस जिसमें कर्नल अपने काम करेगा, और एक है यूज़र स्पेस जिसमें यूज़र अपने काम करता है। ये सेपरेशन हमें इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूज़र डेटा और कर्नल डेटा आपस में मिलें, या फिर यूज़र जो है कर्नल डेटा को प्रिवेंट कर, मतलब कुछ चेंज करने की कोशिश करें या उसको डिमिनिश करें। हम ये इंटरफेरेंस चाहते ही नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं चाहते क्योंकि अगर ऐसा करा तो हमारा सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल, और इस अनस्टेबल सिचुएशन को बोलते हैं क्रैशिंग। अब बारी आती है क्रैशिंग की। कंप्यूटर जब भी क्रैश होता है तो एक्चुअल में बोला यह जाता है कि कर्नल क्रैश हो गया, लेकिन कभी मान लीजिए आपका कोई सिंगल प्रोग्राम जो है वो अगर क्रैश होता है तो कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम तो चलता रहता है, सिंगल प्रोग्राम क्रैश हुआ तो आप उस प्रोग्राम को बंद कर दीजिए। यहाँ पे कर्नल क्रैश नहीं हुआ अगर सिंगल प्रोग्राम क्रैश हुआ तो, लेकिन अगर कर्नल क्रैश हुआ तो सब कुछ क्रैश हो जाएगा। तो क्रैश एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका प्रोग्राम चलता नहीं है या रुक जाता है, एंड यूजर को तो ऐसे लगता है कि फ्रीज हो गया तो मतलब क्रैश हो गया, जबकि होता नहीं, वो एक्चुअल में एग्जीक्यूशन के दौरान रुक जाता है और रिस्पॉन्स नहीं करता और दूसरी चीज़ों को रिस्पॉन्स करना चालू कर देता है। तो प्रोग्राम यूज़र को कैसा दिखता है कि वो फ्रीज हो गया। अब यहाँ पे ये जो प्रोग्राम होते हैं इस टाइप के, जो क्रिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं, इनके ऑपरेशंस भी कर्नल ही हैंडल करता है, पूरा इंटायर कंप्यूटर को शट डाउन कर देता है वो। और ऐसी पोजीशन आ जाती है जब आपका कर्नल उसको शट डाउन करके रीस्टार्ट मारता है, वो खुद से रीस्टार्ट मार के उसको वापस से चालू करने की कोशिश करता है। कर्नल बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं
जैसे कि मेमोरी हुआ या प्रोसेस हुआ मैनेजमेंट हुआ या फाइल मैनेजमेंट हुआ, इवन इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हुआ या पेरिफेरल डिवाइसेस का मैनेजमेंट हुआ, ये सारा का सारा जो मैनेज करता है ना सर्विसेज को, ये करता है कर्नल। ये सर्विसेज जो है वो रिक्वेस्ट की जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी पार्ट से या किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम से, और इसके लिए कोई सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इंटरफेस होते हैं, और वो होते हैं सिस्टम कॉल्स। मतलब सिस्टम कॉल्स वो भाषा है जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल से कोई काम करवाता है। कर्नल, कर्नल सुनेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की यूजिंग सिस्टम कॉल्स। तो ये था एक कर्नल का छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जिसको हमने बताया कि दो अलग अलग स्पेस होते हैं, कर्नल स्पेस और यूजर स्पेस अलग क्यों होते हैं, ताकि हम डिस्टिंक्शन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि यूजर जाके कर्नल स्पेस का इस्तेमाल करे, और कर्नल ही है जो जो असेंबली जिसकी कभी आप तारीफ नहीं करोगे, लेकिन आप हमेशा तारीफ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की करते हो, साहब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये है वो है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ये पार्ट है ना कर्नल, यही है वो बेसिक पार्ट जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखा रहा है, चला रहा है, सारी सर्विसेज को, सारी आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहा है। बस फर्क इतना सा कि वो आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपसे अगर वो बात करेगा, यूजर से अगर बात करेगा, तो आप उसके डेटा को छेड़ने की कोशिश करोगे, जो कि बड़ा सीधा सीधा है, बड़ा सटीक है, और वो आपको कंप्यूटर के चालू करने के साथ साथ कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें करते हो आप, सर्विसेज लेते हो, उन सबको भी रिसोर्स एलोकेटर की तरह मतलब एलोकेट कराता है, सारी चीजें प्रोवाइड कराता है सर्विसेज को। तो ये था कर्नल यूनिक्स के अंदर। थैंक यू सो मच।